एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हर एक लड़की के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड मोर देन 1 मंथ से मैं इनको यूज करती आ रही हूँ। सो येस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लो ब्रश। आई नो जितनी भी बार मैंने व्लॉग्स में शेयर किया है, शेयर ऐसे डायरेक्टली मैंने इसको कभी शेयर नहीं किया, बट मैं यूज़ करती थी तो मेरे पास नीचे एक आध कमेंट्स, 2 कमेंट 3 कमेंट आते ही आते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग परचेस आई एवर हैड हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये है 2499 का मैंने परचेस किया है। वैसे ये 3499 समथिंग का 1000 डिस्काउंट मिला था मुझे, बट दिस इज़ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। अभी मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में मैं कम से कम आप मान के चलो 7 से 8 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। आई लिटरली लव दिस प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ब्रश इनबिल्ड है, तो उससे क्या होता है ना कि आपको अलग से ब्लो ड्राई करते टाइम जो ब्रश होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर समवन जिसको हेयर स्टाइलिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। इतने सही तरीके से सैलॉन लाइक हेयर कर देता है ये आपके। अभी मैंने जो अपने बाल करे हैं ये इसी की हेल्प से करे हुए हैं। इनफैक्ट इसके अंदर इस तरह की सेटिंग दी हुई है कि आप इसको कूल टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मेजरली मैं इसको कूल टेम्परेचर पे ही यूज़ कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली लव्ड इट। अगर आपका हेयर ड्रायर खराब हो गया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आई वुड से गो फॉर दिस वन। इस तरह का ब्लो ब्रश आप ट्राई कर सकते हैं, दिस इज अमेजिंग। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन, डॉक्टर बेलमेर का पिंपल पैच। नाउ अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ये मेरे पास 1 साल से ज़्यादा, लास्ट ईयर मैंने परचेस किया था, ये अभी तक चल रहा है क्योंकि मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। जब मुझे पिंपल होता है मैं सिर्फ तभी इसको यूज़ करती हूँ। इफ़ यू आर समवन जो कि जिसको एक्ने होते हैं, डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस वन। नाउ ये जो पिंपल पैच है जिसमें इस तरीके का प्रोडक्ट आता है, इन पैचेस को आपको निकालना होता है, जहाँ पर भी आपको पिंपल है वहाँ लगा देना होता है, लगा करके आप सो जाइए। जिनको सिस्टिक एक्ने होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज वो जो सिस्टिक एक्ने में बहुत सारी चीज़ें अंदर फिल इन होती है वो सब बाहर आ जाती हैं एंड बहुत आराम से ड्राई कर देता है। वाटरप्रूफ है, आप इसमें फेस वॉश भी कर सकते हैं आप इसको। मैं बट प्रिफर करती हूँ कि मैं 24 घंटे में एक लगाऊँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं चेंज करती हूँ जब मुझे शावर वगैरह लेना होता है। तो 2 दिन में तो ये पूरा पिंपल आपका फ्लैटन आउट कर देता है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपको पिंपल्स होते रहते हैं, ओकेजनली भी होते रहते हैं, तो आप इसको रख के रखिए, ये काफ़ी सही चीज़ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है टाल रैप है ये, एंड दिस इज अ माइक्रोफाइबर टाल। सो बेसिकली ये क्या करता है, अभी भी मैं इसको अपने बालों में रैप करती हूँ, रैप करके रखती हूँ। मेरे बाल विद इन आई थिंक आधा घंटा या 20 मिनट आप मान के चलो जो मेरे बालों का पूरा मॉइस्चर एंड पानी है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, क्विकली ड्राई करता है आपके बालों को। और अगर आपके मेरे जितने बाल हैं, मतलब ये मेरे पास लास्ट ईयर से है, बट और ये 2 के सेट में आता है, एक व्हाइट कलर में आता है, एक ग्रे कलर में आता है। तो जो व्हाइट कलर का है वो मेरी मम्मी के पास है और ग्रे कलर वाला मेरे पास है। तो मेरे पास 1 साल से है, लास्ट ईयर मैंने परचेस किया था। एंड जब मेरे बड़े बाल थे तब मैं इसको इतना यूज़ नहीं कर पाती थी, बट जब मेरे छोटे बाल हो गए तो ये परफेक्टली मेरे बालों में फिट इन हो जाता है। आप आराम से इसको यू नो रैप कर सकते हैं, अपने बालों में इस तरह से लगा सकते हैं। देन फिर यू जस्ट हैव टू ये ऐसे पूरा ट्विस्ट करते हुए आप इसको यहाँ पर इस तरह से एक नॉब दिया हुआ है, आप उसमें इसको फिट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये आराम से आपके बालों में अच्छे से रैप होकर के रहता है एंड दिस इज़ अमेजिंग। आई रियली लव्ड इट। और जब से मेरे बाल छोटे हुए हैं मैं इसी को अपने बालों में रैप करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है, इफ़ यू आर समवन जिसके जो नेल्स हैं वो बहुत ब्रिटल हैं और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, एंड उसका रीज़न ये है टूटने का क्योंकि आप घर के काम कर रहे होते हो, पानी में बार बार हाथ लगा रहे होते हो, यू नो रोटियाँ बनाते हो, आटा गूंथते हो, सब्जी बनाते हो, सारे काम कर रहे होते हो घर के। तो अगर आपके नेल्स भी इसी तरीके के हैं मेरे जैसे जो बहुत जल्दी जल्दी ब्रिटल हैं, मेरे नेल्स काफ़ी ब्रिटल हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि है नायका का नेल पोशन। 1 साल हो चुका है एंड मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ। जल्दी में नेल पेंट लगाना होता है तब तो मैं इसको नहीं यूज़ कर पाती हूँ। डेफिनेटली आपके जो नेल है वो स्ट्रॉन्ग रहे। आपको नेल पेंट लगाने से पहले ये नेल पोशन लगाना होता है। आप नेल पेंट नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप जस्ट नेल पोशन लगा करके छोड़ दीजिए, तो आपके नेल में एक तो काफ़ी अच्छी शाइन रहती है, और दूसरी चीज़ अगर आप इसके ऊपर कोई भी नेल पेंट लगाते हो तो वो आराम से 7-8 डेज तक रहता है, बिना ऐसे चिप विप नहीं होता है। Okay, now coming to my next product is this dried loofah. कि पहले मैं वही नॉर्मल जो प्लास्टिक लूफास आते हैं वही वाले लूफा यूज करती थी। दिसंबर में कोई ब्रांड का प्रोडक्ट आया था और उसके साथ उन्होंने मुझे एक इस तरीके का ड्राई लूफा सेंड किया था एंड तब से मैं 4 महीने तक उसको कंटिन्यूसली मैंने यूज किया है। एंड वाओ, इस लूफा को यूज करने के बाद आपकी जो बॉडी पे स्क्रबिंग होती है ना, मजा आ जाता है शावर लेने के बाद। आफ्टर एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। सो या, दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। Now coming to my next product, ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। सो दिस इज द लिप एंड चीक टिंट आर बाय डॉटर्स अर्थ। काफ़ी सारी बार मैं अपने ब्लॉग्स में भी इनके बारे में बात कर चुकी हूँ। वाई दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इज, एक तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। आप इस लिप एंड चीक टिंट को लिप्स पे तो लगा सकते हैं, अपने चीक्स पे लगा सकते हैं, एज अ आई शेडो लगा सकते हैं। दिस इज अमेजिंग 3 in 1 प्रोडक्ट है। एंड दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपके लिप्स को हार्म नहीं करेगा। आप लिप बाम एंड लिपस्टिक को रिप्लेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं on your lips and color पे ऑफ बहुत अच्छा है। स्टेइंग पावर आई वुड नॉट से बहुत ग्रेट है, 2 से 3 घंटे की है, बट कंसिडरिंग दिस थिंग दैट दिस इज अ केमिकल फ्री प्रोडक्ट इज अमेजिंग। वन ऑफ माई फेवरेट लिप एंड चीक टिंट अब तक जो मैंने यूज किया है। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी अगेन मैंने अमेजन हॉल में अपना शेयर किया था। दिस इज अ फेस शेवर आप बोल सकते हो। अमेजिंग प्रोडक्ट है। हम लोग अभी लॉकडाउन में 1 साल ही हो गया ऑलमोस्ट हम घर पे, और हमें ये भी नहीं पता है कि आगे कब तक रहने वाला है। तो ऑब्वियसली आप ऐसे अनग्रूम्ड तरीके से तो नहीं रह सकते हो, मतलब मैं तो एटलीस्ट नहीं रह सकती हूँ। आई लाइक टू लिव द ग्रूम्ड रहना मुझे पसंद है। सो वॉट इज दिस? दिस इज अ फेस शेवर। ये इसकी ब्लेड्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये इसकी ब्लेड्स दी हुई हैं। ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर लाइट्स दिया हुआ है। सो दैट यू नो, जब भी आप देख करके इसको अपने आप दें कि कौन कौन सा मुझे हेयर निकालना है। सो आई यूज़ इट फॉर माई फुल फेस, मतलब मैं फुल फेस में इसको यूज़ करती हूँ। आईब्रो से थोड़ा ऊपर रखती हूँ क्योंकि आईब्रोज इससे नहीं हो सकते हैं, बट फेस के लिए तो दिस इज़ अमेजिंग। अपर लिप, चिन में जिसको होता है, साइड लॉक्स होते हैं, मैं मतलब फुल फेस पे इसको लगाती हूँ। एंड 10 days, मतलब मंथ में आप बोलो कि 3 से 4 बार मैं इसको यूज़ करती हूँ। मतलब समटाइम्स 8 days में एक बार एंड समटाइम्स 10 days में एक बार मेरे को ये चलता है। ये अमेजन पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और काफ़ी लोगों ने इसको परचेस किया है। तो इसके मिलता जुलता 1-2 और प्रोडक्ट्स है, पैनासोनिक की भी आती है और 1-2 और ब्रांड्स की आती है। उनकी लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दे आर ऑल्सो यू नो, इसके लेवल का ही अच्छा है और इससे थोड़ा सस्ता भी है, तो आप वो परचेस कर सकते हैं अगर ये अवेलेबल ना हो तो। बट इस तरह का एक प्रोडक्ट जरूर रखिए, ये हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉरेस्ट एसेंशियल का सिल्क एंड डस्टिंग पाउडर। आई स्टॉप्ड यूजिंग टाल्कम पाउडर्स। मैं बहुत घर पे तो मैं इतना ज़्यादा यू नो बॉडी मिस्ट और बॉडी स्प्रे सब यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए। मैं क्या करती हूँ, मेरी ऐसी हैबिट है कि शावर लेके आने के बाद आई यूज टाल्कम पाउडर। बट टाल्कम पाउडर्स आर सो हार्मफुल फॉर योर स्किन। एक्चुअली स्विच्ड फ्रॉम अ टाल्कम पाउडर्स टू दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का सिल्क एंड डस्टिंग पाउडर। येस, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, अपने बॉडी में तो लगाती हूँ, साथ ही साथ मैं इसको अपने फेस पे भी यूज कर लेती हूँ। रोज वाला वर्जन लिया हुआ है, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। Now coming to my next product, I called it a magic brush. Let me show you clearly. तो ये है Philips का Easy Shine Iconic Styling Brush। Actually हुआ ये था कि लास्ट ईयर की बात है, मेरे ना बालों में बहुत ज़्यादा बहुत टैंगल्स लगते हैं। चाहे मैं कुछ भी ट्रीटमेंट करा लूँ, बहुत टैंगल्स लगते हैं। जहाँ मेरे बालों से ट्रीटमेंट खत्म होने लगता है, मेरे बालों में अगेन वही नीचे बहुत नॉट्स लग जाती है। मैं श्रेया जैन का कोई वीडियो देख रही थी जिसमें उसने टैंगल टीजर के बारे में रिव्यू किया था, टैंगल टीजर। और जब मैंने उसका प्राइस जाकर के नायका पे देखा तो वो ऑलमोस्ट 1600-1800 ऐसे कुछ के थे और मैं सोच रही थी यार ये इतने एक्सपेंसिव क्यों आते हैं। और तभी मुझे वो जो टैंगल टीजर का मैं देख रही थी, उसके बाद मुझे ये दिखा फिलिप्स का ये आइकॉनिक एंड ऑल। तब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तब ये एकदम नया था, इसमें रेटिंग्स भी नहीं हुई थी, मतलब नायका पे आई थिंक लोगों ने परचेस भी नहीं किया था, ज़्यादा रेटिंग्स भी नहीं थी। तब मैंने कुछ यूट्यूबर्स, फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में देखा कि कैसा वर्क करता है। तब मैं बहुत कन्फ्यूज स्टेट में थी क्योंकि 50% रिव्यूज़ थे। 50% लोगों ने बोला था दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, कुछ नहीं करता, ये एक डमी मॉडल है, इस 100 रुपये का ब्रश भी ऐसा काम कर सकता है। और कुछ ने बोला था कि ये वर्क अमेजिंग करता है। तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई, मैंने बोला चलो वेट करते हैं, थोड़ा लोगों को लेने दो और थोड़ा रिव्यू देने दो। फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ, अभी जब लास्ट टू लास्ट मंथ मेरे को लगने लगा था तब मैंने फिर से इसको जाकर के देखा, तब काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ दे दिए थे। अगेन वही 50-50% हो गया था। आधे लोग बोल रहे थे वाहियात प्रोडक्ट है, आधे लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा चलो एक रिस्क लेकर के देखते हैं, जब मेरा इतना मन हो रहा है इसको लेने का तो मैं ले लेती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू इसमें बेस्ट पार्ट क्या है। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, आपको इस बटन को ऑन करना होता है, ठीक है। ये लाइट जल गई है। ना तो ये प्रोडक्ट कुछ हीटिंग प्रोडक्ट है, ना ही ये कोई हीट जनरेट करता है। ये टेक्निकल टर्म्स बताऊं तो कुछ आयनिक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाली एंड ऑल दैट। तो हम उस पर ना जा करके, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बेसिक टर्म में बताती हूँ कि क्या करता है। ये आपके बालों से फ्रिजीनेस हटाता है। मेरे बाल हमेशा से सेमी स्ट्रेट रहे, मतलब मेरे बाल सेमी स्ट्रेट रहे बट मेरे बाल भयंकर लेवल पे फ्रिजी हो जाते हैं। फिर बहुत सारे जो बेबी हेयर होते हैं ना, मुझे वो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और ह्यूमिड वेदर में तो मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मैं डेली यूज़ में यूज़ कर सकूँ, बालों को वो बर्न ना करे, हीट ना दे। तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं आपको इसके 2-3 चीज़ें बताती हूँ मुझे जो अब तक समझ में आया है। 1.5-2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपको इसको यूज़ करना होता है, इससे आपके बाल नहीं टूटते हैं, बहुत अच्छे से डिटेंगल कर लेता है आपके बालों को, आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब इसको यूज़ करने से आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है, बट बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी एंड काफ़ी सिल्की फील होते हैं आपके बाल। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे को अब तक फील हुआ है वो ये हुआ है कि आपके बाल अगर सेमी स्ट्रेट होंगे तो आपके बालों पे ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। ये बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं करता है, सिर्फ आपके बालों को स्मूदन आउट कर देता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है जिनके वेवी हेयर होंगे या जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इसके नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। सेमी स्ट्रेट वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सब ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। तो आई थिंक ये शायद वेवी हेयर और कर्ली हेयर पर काम नहीं करता है। बट अगर आपके सेमी स्ट्रेट हेयर हैं, आपके थिक हेयर हैं, आपको फ्रिजीनेस प्रॉब्लम होता है, दिस प्रोडक्ट विल वर्क ग्रेट फॉर यू। मैंने जो नॉर्मल वाले कॉम्ब होते हैं वो पता नहीं कब से यूज नहीं किया है, बिकॉज 2 महीने से मैं इसी को यूज कर रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल टाइप का टूल मुझे लगता है वो है ये। सो हाउ आई रिमूव माई बॉडी हेयर। मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं आप कैसे अपने आप को आप रूटीन शो करो, रूटीन शेयर करो। सो कोई ऐसा रूटीन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूटीन नहीं है। मैं सिंपल सा 7 डेज में एक बार इसको यूज़ करती हूँ, तो ये इस तरह से निकल जाता है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। अभी तो आप वैक्सिंग वगैरह तो कर नहीं सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। मतलब पहले भी मैं वैक्सिंग के लिए नहीं जाती थी फ्रीक्वेंटली, मैं बहुत रेयरेस्ट जाती थी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो मुझे तो इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2-3 साल हो चुके हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट। रेजर एंड दिस इज़ द फेशियल रेजर, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं पूरे फेस के लिए तो नहीं यूज़ कर रही हूँ इसको, इसको सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई आईब्रोज। आईब्रोज़ के यहाँ पर शेपिंग देने के लिए यूज़ करती हूँ। फेस के लिए मैं पहले यूज़ करती थी, बट अब मैं फेस के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है ये वाला। सो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट एंड सारे 10 प्रोडक्ट हो गए हैं। ये मुझे बहुत असेंशियल लगते हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।